हैप्पी दिवाली। चलिए आज तिमी से लड्डू बनाना सीखते। गोल गोल टेस्टी टेस्टी लड्डू। नमस्ते, वेलकम टू तिन्नीस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ रवा बेसन की लड्डू। चलिए देख लेती इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। रवा बेसन की लड्डू बनाने के लिए मुझे चाहिए बेसन 2 कटोरी, रवा 1 कटोरी, इलायची पाउडर 1 स्पून, शुगर पाउडर 1/2 कटोरी, घी और ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले इंडक्शन में फ्राइंग पैन को बिठा देती हूँ और मेरा फ्राइंग पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी रवा और रवा को एकदम धीमी आंच में सेक लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। दस मिनट तक रवा को सेकने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इंडक्शन बंद कर देती हूँ और रवा को एक प्लेट में उतार लेती हूँ। इसे मैं फ्राइंग पैन को इंडक्शन में बिठा देती हूँ। अब मैं इसमें दे दूँगी बेसन। और इसको भी एकदम लो फ्लेम में धीमी आंच में सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि बेसन भी सिक गया है। अब मैं इंडक्शन बंद कर देती हूँ और बेसन को एक थाली में उतार लेती हूँ। बेसन को हम उसी थाली में उतारेंगे जहाँ पे पहले से रवा रखी हुई है। अब मैं इसमें दे देती हूँ 1 स्पून इलायची पाउडर, 1/2 कटोरी चीनी पाउडर, 1/2 कटोरी ड्राई फ्रूट्स। अब इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें दे देती हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। अब मैं रवा, बेसन, इलायची पाउडर, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और घी का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण को लड्डू के शेप दे देंगे। अगर आपके लड्डू टूट रहा है इसका मतलब इसमें घी कम है तो आपको घी ऐड करना पड़ेगा। बन चुके हैं रवा बेसन के लड्डू। इन लड्डू को आप किसी भी त्यौहार पे या खुशी के मौके पे बना सकते हैं। ये लड्डू सभी को बेहद पसंद आता है, तो आप भी इन्हें बनाइए और सबको खिलाइए। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। लड्डू खाके तो मज़ा आ गया। हाँ सच में। आप भी दिवाली पे ऐसा लड्डू बनाइए और सबको खिलाइए। हैप्पी दिवाली।